नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 2021 की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश क्रमांक 555/19/3/2021 विज्ञापन जारी किया गया है। राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2021 मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के निम्न निर्धारित छात्रवृत्तियाँ हेतु चयन परीक्षा 2021 दिनांक 2/5/2021 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी 12,000 के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वीं एवं 11वीं में न्यूनतम 50% अंक एवं कक्षा 10वीं में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है। इस परीक्षा के लिए कौन कौन पात्र होगा? तो पात्रता में मध्य प्रदेश में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2020-21 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी हो इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम सी ग्रेड प्राप्त किया हो एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। इसका पाठ्यक्रम इस परीक्षा है तो कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान होगा। परीक्षा में कोई शुल्क देय नहीं है। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। आप या तो हिंदी ले सकते हैं या फिर अंग्रेजी माध्यम। इसमें आरक्षण का भी प्रावधान है। मध्य प्रदेश राज्य निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा। परीक्षा का विवरण ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 22 मार्च 2021 है और आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 है। परीक्षा 2/5/2020 रविवार को होगी और इस परीक्षा में कोई शुल्क देय नहीं होगा। इसकी कैसी प्रोसेस है ये आपको आगे की कड़ी में बताया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। परीक्षा का समय प्रातः 10:45 से 12 बजे तक होगा, ये मानसिक योग्यता का है। और दूसरा पेपर होगा दोपहर 12:30 बजे से 2:15 तक, जो शैक्षणिक योग्यता परीक्षण होगा। मानसिक योग्यता परीक्षण 90 मिनट का पेपर है। इसमें 90 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का एक अंक होगा और टोटल 90 अंक होंगे। शैक्षणिक योग्यता परीक्षण 90 मिनट का होगा और प्रश्नों की संख्या इसमें भी 90 होगी और अधिकतम अंक भी 90 होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक होगा। अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 40% अर्थात 72 अंक 180 में से और अजा निःशक्त वर्ग के लिए 32% अर्थात 58 अंक 180 में से। दोनों प्रश्न पत्रों के बीच विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न समजातता, वर्गीकरण श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन, विकोडन, खंड, समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित होंगे। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे। आयोजन की प्रक्रिया में प्रवेश पत्र की प्राप्ति, इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केंद्र से या MP ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केंद्र के मोनो पर क्लिक कर NMMSSS लिंक मिलेगी। NMMSSS लिंक को क्लिक करके आवेदन प्राप्त होगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी
पूर्ण रूप से भरने के बाद संबंधित प्रधान अध्यापक एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के पास जाकर ऑनलाइन एंट्री करवाएगा। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ प्रमाणीकरण हेतु दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जैसे कक्षा सातवीं का प्रगति पत्र जिसको अंक सूची बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र, एससी एसटी निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर संकुल प्राचार्य को जमा करें। आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो प्रतियों में रसीद प्राप्त होगी। यदि रसीद के ऊपर आवेदन अपूर्ण अंकित है तो अभ्यर्थी आवेदन की कमी को पूर्ण करें। आवेदन पूर्ण करने की रसीद प्राप्त होने पर आवेदन मान्य किया जाएगा। आवेदन पूर्ण अंकित रसीद की दो प्रतियों में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखें एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेंगे। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में भेजेंगे। जिन जिलों में डाइट नहीं है वहाँ संकुल प्राचार्य जिला शिक्षा केंद्र डीपीसी कार्यालय को आवेदन पत्र भेजेंगे। डाइट डीपीसी कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल को निर्धारित तिथि पर ही भेजेंगे। जाति प्रमाण पत्र अथवा आवेदन सामान्य श्रेणी पर होगा। आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है। प्रवेश पत्र माह अप्रैल 2021 के तीसरे सप्ताह में एमपी ऑनलाइन के लिंक www.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का माध्यम जैसे ही आपको बता दिया गया है कि हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा। परीक्षा का कोई शुल्क नहीं दे होगा और कोई यात्रा भत्ता भी आपको नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व आपको परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना पड़ेगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा हॉल में ले जाने के लिए प्रवेश पत्र केवल काला नीला, ये आपको अगले वीडियो में पूरी डिटेल आपको बता दी जाएगी, है ना। अब आगे की जानकारी, प्रवेश पत्र माह अप्रैल के तीसरे सप्ताह में एमपी ऑनलाइन के लिंक में उपलब्ध हो जाएंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ लगाए जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साइज 3.5x4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए जिसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। पोलोराइड फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर निर्धारित स्थान पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा किया जाना चाहिए। काले चश्मे के साथ खींचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना चाहिए। आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर किए जाने चाहिए। आवेदन पत्र में लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। आवेदन पत्र में हस्ताक्षर पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही साथ इस परीक्षा के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। धन्यवाद।